हे एवरीवन, दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर वन, द लिविंग वर्ल्ड अडैप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। पार्ट वन में हमने देखा था अडैप्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें आपको सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी साइंस। जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था अडैप्टेशन इन प्लांट्स में, अलग अलग रीजन के प्लांट्स अलग अलग अडैप्टेशन शो करते हैं, वैसे ही हम यहाँ भी देखेंगे अडैप्टेशन इन एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग अडैप्टेशन शो करते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद अडैप्टेशन इन एनिमल्स। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एक्वाटिक एनिमल्स। सो एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले, द वर्ड एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। आपको कहीं भी वर्ड एक्वा दिख जाए तो समझ लेना वाटर रिलेटेड है। And the term terrestrial means जमीन पे रहने वाले। So let's start with aquatic animals. So सबसे पहले अगर aquatic animals की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है fish. So आप सबने fish देखी है and आप सबको पता है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मतलब पानी के अंदर ही उसकी life है, उसके बिना वो रह नहीं सकती। So कैसे adaptation पानी के अंदर वाले animals show करते हैं वो हम देखते हैं। See, this is fish. Fish का जो shape होता है वो spindle shape होता है। Spindle means tapered at both the end. दोनों साइड से ऐसे दबा हुआ होता है, ऐसे शेप की वजह से वो पानी में इजीली तैर सकते हैं। एंड टेपर्ड ना हो के अगर फ्लैट होंगे तो पानी का जो प्रेशर है इन्हें बहुत ज्यादा फील होगा और इन्हें तैरने में काफी मुश्किल आएंगी, इसलिए इनका जो एंड होता है वो टेपर्ड होता है, नोकीला होता है, जिसे वो पानी को चीरते हुए आराम से तैर सके। इनके पूरे बॉडी पे स्केल्स होता है, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन पे हेयर होते हैं वैसे ही इनकी पूरे स्किन पे स्केल्स होते हैं। फिश पर आपने ये ऐसे फिन्स देखे होंगे, ये फिन्स उनको हेल्प करते हैं पानी में इजीली मूव करने के लिए। एंड इनमें प्रेजेंट होता है गिल्स। गिल्स मीन्स जिससे वो ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं नोज से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वैसे ही फिश गिल्स की मदद से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं। इनके जो आईलेट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके अंदर प्रेजेंट होता है एयर ब्लैडर, जो है फ्लोट करने में हेल्प करता है पानी में। सो ये थे अडैप्टेशन फिश के और एक्वाटिक एनिमल्स के। अब अगर बात की जाए फ्रॉग, डक, टॉर्टोइज इन एनिमल्स की, तो ये कैसे एनिमल्स हैं? क्या ये टेरेस्ट्रियल हैं? क्या ये एक्वाटिक हैं? ये दोनों है, मींस ये जमीन पे भी रहते हैं और ये पानी में भी रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियंस। तो देखते हैं अडैप्टेशन एम्फीबियन एनिमल्स के। इनके जो टोज होते हैं वो वेब्ड होते हैं, वेब्ड मींस पैरों की उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी मदद से वो पानी में इजीली तैरते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो काफी स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है। डक के केस में उनके जो फेदर्स होते हैं उन पे वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे वो भीगते नहीं है, जो हमने लोटस में देखा था, लोटस के लीफ पे भी वैक्सी कोटिंग होती है। इन एनिमल्स के जो हेड होते हैं वो ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, जिससे वो पानी में इजीली तैरते हैं। नाउ ये ब्रीथ कैसे करते हैं? तो ये पानी में ब्रीथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, एंड जब ये जमीन पे होते हैं तब ये ब्रीथ करते हैं अपने नोज से। And of course, they use their lungs. So, ये था adaptation amphibian animals का। अब देखेंगे adaptation in forest and grassland animals. So, animals basically दो type के होते हैं, एक होते हैं carnivores और एक होते हैं herbivores. Herbivores means हरी भरी चीजें खाने वाले, like घास फूस, फूल पत्तियां। And carnivores means खोखार होते हैं, जो दूसरे जानवर को मार के खाते हैं। सो बेसिकली हर्बीवोरस मीन्स वेजिटेरियन एंड कार्निवोरस मीन्स नॉन वेजिटेरियन। सो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इनके अडैप्टेशन भी वैसे होते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, वोल्फ, इन एनिमल्स के जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो अपने शिकार के पीछे फास्टली भाग सके। इनके जो केनाइन टीथ होते हैं, केनाइन मीन्स ये साइड वाले जो दांत होते हैं, वो बहुत शार्प और पॉइंटेड होते हैं, ताकि वो अपने शिकार का चीर फाड़ करके आसानी से उसे खा सके। अगर आपने इनके पैर देखे होंगे तो आपने देखा होगा पैरों के नीचे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज पैड पॉज, जिसकी मदद से वो अपने शिकार के पीछे साइलेंटली जाते हैं शिकार करने के लिए। एंड दे हैव क्लॉज। क्लॉज मींस ये नाखून जैसा कुछ कर्व सा होता है फुट में आगे, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉज, जिसकी मदद से वो अपने शिकारी का शिकार करते हैं। एंड वन मोर थिंग, शिकारी मींस प्रीडेटर, और जो शिकार बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्रे, प्रीडेटर एंड प्रे। इनकी जो आंखें होती हैं वो हेड के फ्रंट में होती हैं, ताकि वो दूर से भी अपने शिकार को स्पॉट कर सके। वहीं हर्बीवोरस एनिमल्स की आंखें हेड के साइड में होती हैं, फोरहेड के नीचे, जिससे उन्हें देखने का एक वाइड एंगल मिलता है। सी लाइक दिस, वाइड एंगल विजन उन्हें मदद करता है खुद को बचाने में अपने शिकारी से, प्रीडेटर से। एंड इनके जो पैर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, टेपरिंग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग हूव्स होता है इनमें। सी दिस इज हूव्स, जिसकी मदद से वो एक लंबी छलांग लगा सकते हैं और काफी फास्ट दौड़ सकते हैं, जिसे वो खुद को बचा सके।
इनके जो कान होते हैं वो लॉन्ग और फ्रीली मूव होने वाले होते हैं, जिससे वो अलग अलग डायरेक्शन से और दूर के साउंड को भी आसानी से सुन सके। इनके दांत इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो टफ प्लांट मटेरियल को भी आसानी से खा सके। कार्निवोरस एनिमल्स के अडेप्टेशन, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो शिकार कर सके। एंड हर्बीवोरस एनिमल्स के अडेप्टेशन ऐसे होते हैं कि वो अपने शिकारी से बच सके। एंड डोंट फॉरगेट, शिकारी को कहते हैं प्रेडेटर और जो शिकार बनता है उसे कहते हैं प्रे। So this was the adaptation in forest animal. Now we will see adaptation in desert animal. So you all might be knowing कि desert कैसा होता है। Part 1 में हमने देखा था desert, snowy region, ये सारे regions को describe किया है। आप लोगों ने अगर part 1 नहीं देखा है तो please go and watch it, link मैंने description में दिया है। So let's start with adaptation in desert animal. So once again, desert कैसा होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, पानी की कमी होती है, तो ऐसे surrounding में animals कैसे survive करते हैं, कैसे adaptation होते हैं उनके, वो हम देखते हैं। डेजर्ट एनिमल की बात करें तो कैमल का नाम सबसे पहला आता है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कैमल बिना खाने बिना पानी के बहुत दिन तक रह सकता है। डू यू नो, कैमल बिना पानी पिए एक हफ्ते से ज्यादा और बिना खाना खाए एक महीने से ज्यादा रह सकता है। डू यू नो हाउ? बिकॉज ऑफ दिस हम्प। इस हम्प में कैमल स्टोर करता है फैट, नॉट वॉटर। बहुत लोगों को लगता है इस हम्प में वॉटर स्टोर होता है, बट नहीं, इसमें स्टोर होता है फैट। एंड डू यू नो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कैमल एक बार में अराउंड 145 लीटर्स पानी पी सकता है। हमारी जो स्किन होती है वो थिन होती है, तो हमारी बॉडी जो है वो पसीने के फॉर्म में वाटर को लूज करती है। कैमल की जो स्किन होती है वो काफी थिक होती है, जिससे कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इनके जो पैर होते हैं वो लंबे, फ्लैट और कुशन होते हैं। कुशन मीन्स पैरों के नीचे जो सोल्स होते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, जिससे कि वो डेजर्ट में लंबे टाइम तक चल सकते हैं और उन्हें चटके नहीं लगते। इनके जो पलके होती हैं, आईलैशेस, वो लॉन्ग और थिक होते हैं, और इनके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं फोल्ड ऑफ स्किन से, जिससे कि डेजर्ट में उड़ने वाली धूल उनके अंदर न जाए। तो इन सारे अडेप्टेशन की वजह से कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल के अलावा बाकी जो एनिमल्स हैं लाइक रैट, स्नेक, स्पाइडर, लिजर्ड, ये सारे डेजर्ट के एनिमल्स, ये क्या करते हैं, वो जमीन में होल बना के रहते हैं, जिससे कि वो धूप से बच सके। एंड ये मोस्टली रात के टाइम में एक्टिव होते हैं कम्पेयर टू डे टाइम। सो ये थे अडेप्टेशन डेजर्ट एनिमल के। अब देखते हैं स्नोवी रीजन के एनिमल्स कैसे अडेप्टेशन शो करते हैं। तो वी नो स्नोवी रीजन में ऑब्वियसली हर जगह ठंड होगी, स्नो होगी, सो एनिमल्स कैसे होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको याक, पोलर बेयर, व्हाइट फॉक्स, स्नो लेपर्ड, ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो कैसे अडेप्टेशन ये शो करते हैं, काफी ठंड है तो इनकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी पर लॉन्ग थिक हेयर होते हैं ताकि वो ठंड से बच सके, और ये मोस्टली व्हाइट कलर में आपको यहाँ पे एनिमल्स दिखेंगे, जिससे कि वो अपने प्रीडेटर से बच सके। सो ये थे अडेप्टेशन स्नोवी रीजन एनिमल्स के। अब फटाफट से एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। हमने देखा अडेप्टेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, देन अडेप्टेशन इन एम्फीबियन, अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल, अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, देन अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर बटन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर चैप्टर के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।